और हमारे सामने जब पेशेंट पेश होता है, मेन इंपॉर्टेंट रूब्रिक को समझना तो है ही, लेकिन पेशेंट कैसे बोलेगा और कैसे प्रेजेंट होगा वो सीखना जरूरी है। तो पेशेंट बोलेगा साहब एसिडिटी है, मेरे को लगा एसिडिटी है लेकिन उसमें तो जलन होता है ना, तो एसिडिटी तो नहीं लग रही, लेकिन बीपी डिप्रेशन से भी होता है शायद, तो डिप्रेशन भी होगा, टेंशन के हिसाब से भी हो सकता है सर, नहीं लेकिन मेरे को कोई बात का टेंशन इतना तो है नहीं, तो साला क्या होगा, ये बीपी से हो सकता है, मतलब हमको लगेगा कि एक चीज पकड़ता है फिर उसको चेक करता है, एसिडिटी पकड़ा, अब नहीं यार एसिडिटी तो नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है बीपी का, बीपी में तो फिर मेरे को पहले कभी हुआ नहीं, और मैंने उस दिन चेक करवाया था तो नॉर्मल था, ऐसा ही हो रहा था, तो वो भी नहीं है, तो इस टाइप से मतलब जब स्ट्रॉन्गली आता है तब हम ग्रोपिंग इन द डार्क लेंगे, वरना हम मिसगाइड हो जाते हैं कि सिर्फ इतने में कि भाई अरे एसिडिटी है कि ये बीपी है कि हार्ट है क्या है यार? तो उसमें क्या होता है कि लोगों के सुने हुए वर्जन होते हैं, लोगों की सुनी हुई बातें होती है, तो वो अपने पास लाइट मांगता है कि कोई कहता है फलाना डॉक्टर कह रहा था कि ये है, फलाना डॉक्टर कह रहा था ये है, तो सब क्या है, ये सवाल पूछता भी है नहीं भी पूछता है, कुछ लोग हिचकिचाते हैं तो सवाल नहीं भी पूछते हैं कि क्या है, वो कहता है बीपी है, वो कहता है ये है, वो कहता है ये है, तो इस टाइप से पूछते हैं, या फिर कभी ये नहीं कहते कि वो कहता है वो कहता है, लेकिन इस तरीके से सिंपली बोलता है, तो उस टाइम हमें ग्रोपिंग इन द डार्क नहीं लेना, ग्रोपिंग इन द डार्क का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ऐसा फील आए तभी हमें लेना है, तो अलग अलग स्टेज में पेशेंट्स आते हैं तो हमें उसका जो पीपीपी लेना है कि अभी क्या है, पहले की बात भूल जाओ, अभी पेशेंट को क्या है और अभी पेशेंट का एटीट्यूड क्या है, अभी पेशेंट कैसे बिहेव करता है, बस उसी पे हमें प्रिस्क्राइब करना है, तो डर है नो डाउट स्टेमोनियम में, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि डर वाला ही हो स्टेमोनियम, जैसे कैल्केरिया में ग्रोपिंग इन द डार्क है और बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स है जो हम देखते ही पहचान सकते हैं कि छोटी छोटी बात को इम्पोर्टेंस देने वाला, छोटी छोटी बात में टेंशन देने वाला कैल्केरिया, तो हर बात हर बार वो नहीं होता है, कैल्केरिया एक्सक्लूसिव भी होता है, कैल्केरिया वेल्थ वाला वेल्थ में भी आता है, बन ठन के आता है, वेल्थ का फीलिंग होता है और अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो, तो और जितने सारे रूब्रिक्स है वो एक तरह के स्टेजेस है पेशेंट की तकलीफ को, पेशेंट किसी भी स्टेज में आ सकता है, सेट ऑफ स्टेजेस या सेट ऑफ रूब्रिक्स, तो पूरा जर्नी के साथ नहीं आता है, फर्स्ट से ए टू जेड तक पूरा कैलकुलस उसमें समाया नहीं होगा,